हेलो एवरीवन वन क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी मेरे साथ मैथमेटिक्स uh, फर्स्ट पढ़ते हैं तो फटाफट से आप सभी शेयर कर दीजिए इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है स्टार्टिंग से क्लास को देखें तो uh, कोई भी टॉपिक आपका ऐसा ना रहे जो छूट जाए uh, देखिए आप सभी जानते हैं हम टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट ये नाम है हमारे चैप्टर का Uh, हमने इससे पहली वाली क्लास में लास्ट क्लास की यदि हम बात करें तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे किए थे जिसमें एंगल एंगल आर्क लेंथ और रेडियस इन तीनों के बीच में रिलेशन हमें पता था मीन्स या या तो फिर ऐसा कहें कि इस फॉर्मूले uh, पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे आर्क लेंथ रेडियस और एंगल पर बेस्ड अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं इसी चैप्टर में देखो जैसे कि आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं बोर्ड पर हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर मींस दो सर्कल्स uh, हैं दो हमने सर्किल बना लिए हैं अलग-अलग एक सर्किल ये है एक सर्किल ये है ठीक है अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ सेम लेंथ की आर्क एंगल सेंटर पर 60 डिग्री और 75 डिग्री दो एंगल्स अलग अलग बना लेती है मींस यदि लेंथ सेम हो जाए मान लिया ये ये ए ये ए, ए डैश सेंटर ओ मान लिया ये हमारा बी ये बी डैश सेंटर ओ मान लेते हैं इसका भी ठीक है ओ मान लीजिए या ओ डैश मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बनाता है 60 डिग्री और दूसरा बनाता है 75 डिग्री लेंथ सेम है तो हमने मान लिया लेंथ एल है बी बी डैश बी एल है तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई इनकी त्रिज्याओं का रेशो हमें बताना है ठीक है क्या करेंगे मान लेंगे दो आ, हमने दो अलग अलग सर्किल बनाए हैं पहले वाले सर्किल की रेडियस आर वन है दूसरे वाले सर्किल की रेडियस आर टू है रेडियाई कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म में कहते हैं रेडियस को रेडियाई ये है हमारा आर वन पहले वाले सर्किल की रेडियस ये है हमारा आर टू इधर लिख दीजिए इधर लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी रेडियस है ये ये भी रेडियस है ठीक है तो हमने लिख दिया लेट आर वन एंड आर टू द रेडियस या रेडियाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल ठीक है एंड एल द आर्क लेंथ लिख देते हैं। Means, जो पहले लिखा पहले वाले सर्कल की रेडियस है जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है वो सेकंड वाले सर्कल की रेडियस है अब देखिए इसके बाद हमने मान लिया एंड आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क आर्क लेंथ इज इक्वल टू एन ठीक है हमें क्या गिवन है आर्क लेंथ फॉर बोथ सर्किल्स आर सेम ठीक है दोनों सर्किल के लिए आर्क लेंथ सेम दी गई है uh, तो क्या करेंगे ए ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश इज इक्वल टू एल क्लियर है ठीक है दोनों सर्किल की आर्क लेंथ सेम है ठीक है तो हमने लिख दिया आर फॉर बोथ सेम दोनों सर्कल की आर्क लेंथ सेम है मतलब बराबर लंबाई की जो लेंथ है वो एक पर 75 एंगल बनाती है एक पर 60 डिग्री एंगल बनाती है तो हमने मान लिया वो एल है क्लियर अब देखिए पहले वाले की रेडियस आर वन दूसरे वाले की रेडियस आर टू अब हम जानते हैं हम क्या जानते हैं इस केस में इतना क्लियर हो गया है आपको वी नो थीटा इज इक्वल टू आर जहां ये होता है, एंगल ये है आपका आर्क लेंथ और ये है आपका रेडियस ठीक है इतना हम जानते हैं अब देखिए क्या करेंगे दो पहले वाले थीटा है इसको हमने कह दिया थीटा वन दूसरे वाले थीटा को हमने कहा थीटा टू पहले वाला जो रेडियस है वो आर वन है दूसरे वाला रेडियस आर टू है अब देखिए फार्मूला लगा देते हैं ये वाला हमने कहा है दोनों ही केस में जो लेंथ है आर्क लेंथ वो एल है ठीक है इतना तो क्लियर है सबको अब देखिए पहले हम लिखते हैं थीटा वन यहां लिख लेते हैं चलिए थीटा वन इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री अब हमने आपको बताया था कि आ, हम क्या करते हैं ये जो जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो थीटा की वैल्यू रेडियन में लेते हैं ठीक है थीटा की वैल्यू को हम रेडियन में लेते हैं तो क्या करेंगे इसको रेडियन में चेंज कर देंगे डिग्री टू रेडियन बना देते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई वन एट्टी सिक्सटी से कैंसिल हो जाएगा थ्री टाइम्स तो पाई बाय थ्री ठीक है सेकेंड वाले पे चलते हैं थीटा टू थीटा टू इज इक्वल टू कितना है सेवनटी फाइव डिग्री आप इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई वन एट्टी फिफ्टीन से कैंसिल हो जाएगा फिफ्टीन फाइव जो सेवनटी फाइव आ जाएगी हमारी 5 pi by 12. Radian. Radian के लिए हम क्या करते हैं पर भी लिख देंगे ठीक है आप यहाँ लगाइए सी मत लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो हमारी थीटा वन की वैल्यू आ गई थीटा टू की वैल्यू आ गई क्लियर है इतना समझ में आ गया है सभी को अब देखिए अब हम ऊपर लिख देते हैं अभी हम फिलहाल इन दोनों सर्कल्स को हटा देते हैं ठीक है देखो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन में तो हम खैर बता ही चुके हैं काफी बार देखो अब हमने लिखा थीटा वन इस टू इस फॉर्मूले को लेंगे अपॉन आर वन ठीक है तो यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी थीटा वन आर वन एंड थीटा टू इज इक्वल टू अपॉन आर टू क्लियर ए ए डैश बी बी डैश दोनों की वैल्यू को हमने एल कहा है आर्क आर्थ uh, दोनों के लिए सेम है तो यहाँ एल वन एल टू लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है तो हम पहले वाले के लिए एल लिख देंगे दूसरे वाले के लिए भी एल लिख देंगे तो यहां से आपकी आ जाएगी एल इज इक्वल टू थीटा टू आर टू अब यहां से एल की वैल्यू ये यह है यहां से एल की वैल्यू ये है इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल है दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे देर फोर थीटा वन आर वन इज इक्वल टू थीटा टू आर टू थीटा वन आर वन थीटा वन की वैल्यू आप जानते हैं ट्वेल्व है आपको एज इट इज लिखना है तो क्या हो जाएगा ये हमने लिखा थीटा वन को हमने लिखा पाई बाय थ्री आर वन थीटा टू को लिखा फाइव पाई बाई ट्वेल्व आर टू आपको आर वन और आर टू का रेशियो चाहिए अनुपात हमें निकालना है आर वन और आर टू का तो हम क्या करते हैं आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू निकाल लेते हैं ठीक है आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू आर टू को इसके नीचे ले आए हैं ये टोटल वैल्यू उधर चली जाएगी इट मीन फाइव पाई बाई ट्वेल्व इन टू पाई बाय सॉरी थ्री बाय ठीक फाइव पाइव बाई ट्वेल्व इंटू थ्री बाई पाई थ्री ऊपर जाएगा पाई नीचे आ जाएगा पाई से पाई uh, से पाई कैंसिल हो जाएगा थ्री से ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा फोर टाइम्स तो हमारे पास आंसर आ जाता है फाइव बाई फोर ठीक है फाइव बाई फोर आंसर आ जाता है आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर ठीक है या आप कह सकते हो या फिर आर वन रेशो आर टू इज इक्वल टू फाइव रेशो फोर क्लियर ये हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर हो गया थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ये फॉर्मूला में याद रखना है कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या एंगल इज इक्वल टू आर क्लैंथ अपॉन रेडियस ठीक है ये फॉर्मूला हमने लगा दिया क्योंकि दोनों में सेम था तो दोनों को बराबर रख लिया है क्लियर चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राएंगल आर इन द रेशो ऑफ थ्री फोर फाइव ठीक है किस रेशो में है थ्री फोर फाइव फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज एंड आर ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन ठीक है डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन तो क्या करेंगे स्मॉलेस्ट क्या होता है सबसे छोटा एंगल ग्रेटेस्ट क्या होता है सबसे बड़ा एंगल अब देखिए या तो हम टोटल को डिग्री में लेकर चलेंगे या फिर रेडियन में लेकर चलेंगे स्टार्टिंग में रेशो दिया गया है हम डिग्री में ही कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन को पूरा बाद में चेंज कर देंगे देखो ये रेशो है थ्री फोर फाइव तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल में आप जानते ही हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है ठीक है वन एट्टी डिग्री कहिए या फिर पाई रेडियन कहिए एक ही बात है ठीक है तो हम क्या करेंगे मान लेंगे कि पहला वाला एंगल थ्री है थ्री एक्स है दूसरा वाला फोर एक्स है तीसरा वाला फाइव एक्स है तीनों को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो होना चाहिए वन एट्टी डिग्री क्लियर मीन्स होता ही है ये सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल या सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ठीक है ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ लिखेंगे पहले हम लिखेंगे कि हमने कौन कौन से एंगल मान लिए देखो रेशियो है तो किसी आ, या तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी के साथ या के से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं किसी एक वेरिएबल मान लीजिए या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर चलिए साथ में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन तो हमने मान लिया एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर ट्राइंगल आर रेशो दिया गया है थ्री फोर फाइव तो हमने कहा पहला एंगल है थ्री एक्स दूसरा एंगल है फोर एक्स एंड तीसरा एंगल है फाइव एक्स ठीक है ये तीनों एंगल हैं आप ऐसा भी लिख सकते हो थ्री के फोर के फाइव के अब क्या हो जाएगा वी नो मान लिए ये, ये ट्रा है ए बी सी ठीक है ऐसा कह सकते हो ये ए ये बी ये सी तो हमने कह दिया 3x थ्री एक्स है ये फोर एक्स है और फाइव एक्स ऐसा मान सकते हैं ठीक है अब लिखेंगे वी नो सम सम ऑफ एंगल्स इन ए ऑफ एंगल्स लिखा है हमने इसका मतलब जितने एंगल पॉसिबल हैं ट्राइंगल में सभी को ऐड कर देंगे इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है या यदि हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब हमारे क्वेश्चन में पहला एंगल ये है दूसरा एंगल ये है तीसरा एंगल ये है ठीक है यदि हमने कह दिया थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स है तो हमने मान लिया दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू थ्री एक्स एंगल बी इज इक्वल टू फोर एक्स एंड एंगल सी इज इक्वल टू फाइव एक्स ठीक है ऐसा भी आप लिख सकते हैं अब तो देर फोर या इसको ऐसा कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ठीक है तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वन एट्टी डिग्री आएगा या आप एंगल बाहर ना लगा के एंगल का साइन होता है आप इसको नहीं भी लगाएंगे केवल ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर तो एंगल ए की वैल्यू है थ्री एक्स बी की वैल्यू है फोर एक्स और सी की वैल्यू है फाइव एक्स इज ईक्ल टू वन एटी डिग्री जोड़ देंगे सबको ट्वेल्व एक्स इज ईक्वल टू वन एटी डिग्री क्या हो जाएगा एक्स इज ईक्ल टू वन एटी अपॉन ट्वेल्व ट्वेल्व से कैंसिल हो जाएगा वन एट्टी डिग्री बारह से कटे गए वन टाइम्स सिक्स बचता है ठीक है ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी तो हमारी वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन डिग्री एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंगल की ठीक है ये देखो ये सबसे छोटा एंगल है ये सबसे बड़ा एंगल है क्या क्या पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन तो पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा थ्री एक्स स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा एंगल इट मीन्स थ्री इन टू फिफ्टीन फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है अब लिखते हैं ग्रेटेस्ट एंगल एंड ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू देखो सबसे छोटा ये है थ्री एक्स सबसे बड़ा क्या है फाइव एक्स तो हमने यहां लिखा फाइव एक्स या फिर फाइव इंटू फिफ्टीन ये हो जाएगा सेवेंटी फाइव डिग्री लेकिन आपको आंसर डिग्री की फॉर्म में नहीं देना है क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि आंसर आपको रेडियन की फॉर्म में लिखना है स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में बताना है और ग्रेटेस्ट एंगल आपको रेडियन में बताना है तो आप क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ये 15 से कैंसिल हो जाएगा ठीक है 15 5 जो 75 15 1 15 15 2 30 तो 5 पाई बाय 12 ये हमारा आंसर हो गया ठीक है तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल भी आ, आ जाता है और हमारा ग्रेटेस्ट एंगल भी आ जाता है ये रेडियन में है तो आप ये डिग्री है रेडियन को आप पता है सी लिखते ही है। जानते हैं ये रेडियन के लिए हम छोटा सा सी लिख देते हैं डिग्री के लिए ये, ये बना देते हैं जीरो क्लियर समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए हैं ट्राइंगल के एंगल का सम सभी का 180 डिग्री होता है आप ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप का हो ठीक है हर एक टाइप के ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है 180 डिग्री ले रहे हैं यदि डिग्री में तो 180 डिग्री लेंगे यदि आप रेडियन में लिख रहे हैं तो पाई हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं 180 डिग्री को यदि हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा केवल पाई बच जाएगा ठीक है चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है क्वेश्चन में इस बार एंगल्स हमें दिए गए हैं डिग्री रेडियन और ग्रेड तीनों में दिए गए हैं एंगल ठीक है तो हम कैसे चेंज करेंगे एंगल्स को सेम आ, मतलब एक ही मोड में या तो डिग्री में चेंज कर लेंगे या रेडियन में या फिर हम चेंज करेंगे ग्रेड में देखो क्वेश्चन दिया गया है हमें इसी टाइप का तीन अलग अलग एंगल दिए गए हैं एक ट्राइंगल के ठीक है तीन ही एंगल होते हैं खैर ट्राइंगल में आ, तीन अलग अलग अ, मतलब एक डिग्री में है एक ग्रेड में है और एक रेडियन में है ठीक है अलग अलग सिस्टम में दिए गए हैं अलग अलग सिस्टम में मेजर किए गए एंगल तो क्वेश्चन में आपको जब भी सम आप लिखेंगे एंगल्स का तो एक ही सिस्टम में तीनों एंगल को चेंज कर लेंगे ठीक है ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक एंगल को आप रेडियन में रहने दें एक को डिग्री में रहने दें और एक को ग्रेड में रहने दें ठीक है क्वेश्चन क्या है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल के तीन एंगल्स दिए गए हैं तो यहाँ लिखेंगे द एंगल्स द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ट्राइंगल आर पहले ट्राइंगल का पहला एंगल दिया गया है थ्री एक्स थ्री एक्स डिग्री सेकेंड दिया गया है फोर एक्स अपॉन थ्री ग्रेड ठीक है जी मीन्स होता है ग्रेड और नेक्स्ट दिया गया है टू पाई बाय सेवेंटी फाइव ठीक है टू पाई एक्स अपॉन सेवेंटी फाइव एंड टू पाई एक्स अपॉन सेवेंटी फाइव रेडियन ठीक है तो हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दिए गए हैं तो हमें यह करना है हमें सारे एंगल्स निकालने फाइंड ऑल एंगल्स ठीक है क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है आपको किस में निकालना है रेडियन में निकालने हैं डिग्री में निकालने हैं ग्रेड में निकालने हैं, तो किसी भी एक में हम लिख देते हैं चाहे तो ग्रेड में लिख देते हैं चाहे रेडियन में चाहे डिग्री में ठीक है जब हमें नहीं दिया गया होता तो हम डिग्री या रेडियन ही प्रेफर करते हैं क्लियर है यदि स्पेशली लिखा गया है कि ग्रेड में लिखें तो ग्रेड में लिख देते हैं अदरवाइज हम डिग्री या रेडियन ही प्रेफर करते हैं क्लियर अब देखिए सबसे पहले पहला एंगल आ, हमें मान लिया एंगल ए थ्री एक्स डिग्री ये गिवन है ठीक है इंड ट्राइंगल एबीसी मान लिया जो ट्राइंगल है वो एबीसी है ठीक है लेट एबीसी इज अ ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल एंड एंगल ए एक्स डिग्री एंगल बी पर चलते हैं एंगल बी दिया गया है हमें फोर एक्स अपॉन थ्री ग्रेड ठीक है अभी देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारा ग्रेड है टोटल ये सर्किल है सेंट्रल एंगल को हम जब डिग्री में डिवाइड करते हैं तो 360 सिक्सटी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है ग्रेड की बात करें तो 400 ग्रेड हो जाता है ये डिग्री ये ग्रेड साथ ही यदि हम बात कर देते हैं आपकी रेडियन की तो so, रेडियन में क्या हो जाता है टू पाई रेडियन हो जाता है ठीक है तीनों को कैंसिल कर देते हैं ठीक है टू से कैंसिल करेंगे सभी को तो वैल्यू हो जाएगी वन एट्टी डिग्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन ठीक है रेडियन है ये आप जानते हैं तो पहले क्या करते हैं पहले हम ग्रेड और रेडियन को ले लेते हैं डिग्री और ग्रेड को ले लेते हैं डिग्री में चेंज कर देते हैं चीजें तो हम जानते हैं वन एट्टी डिग्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड ग्रेड ठीक है तो वन ग्रेड क्या हो जाएगा वन एट्टी अपॉन टू हंड्रेड इज इक्वल टू वन ग्रेड ठीक है आपको क्या करना है इससे कैंसिल हो जाएगा जीरो से जीरो आपकी कैंसिल हो गई टू नाइन जो एटीन टू टेन जवेंटी तो वन ग्रेड इज इक्वल टू हो जाता है नाइन अपॉन टेन डिग्री क्लियर वन ग्रेड इज इक्वल टू नाइन अपॉन टेन डिग्री जिसने ये नोट नहीं किया है अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए नोट पॉइंट लिखकर ठीक है अपनी नोटबुक में इसे नोट कीजिए ताकि जब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें ग्रेड से डिग्री में चेंज करें तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या करना है जब भी आप किसी ग्रेड को डिग्री बनाते हैं तो आप नाइन बाई टेन से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है जब भी डिग्री ग्रेड टू डिग्री चेंज करते हैं ग्रेड टू डिग्री कन्वर्जन यदि आप कर रहे हैं तो नाइन बाई टेन से मल्टीप्लाई करेंगे क्लियर है तो हम यहाँ यही करते हैं ये ग्रेड में है तो हम इसको लिखेंगे फोर एक्स अपॉन थ्री इन नाइन बाय 3 से कैंसिल हो जाएगा थ्री टाइम्स टू टू जा फोर टू फाइव जा ट क्या हो जाएगा सिक्स एक्स अपॉन फाइव ये वैल्यू आ गई आपकी डिग्री में क्लियर तो हमने इसको चेंज कर दिया डिग्री में 6x 5 आ जाता है अब बात करते हैं हम तीसरे वाले एंगल की तीसरा एंगल दिया है रेडियन में तो रेडियन और डिग्री कन्वर्जन तो हम पढ़ ही रहे हैं काफी टाइम से तो ये एंगल सी एंगल सी है टू पाई एक्स अपॉन सेवेंटी फाइव रेडियन हम इसको डिग्री में बदलेंगे तो टू पाई एक्स अपॉन सेवेंटी फाइव रेडियन टू डिग्री क्या होता है वन एट्टी अपॉन पाई यदि हम रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो वन एट्टी अपॉन पाई हो जाता है इसका मतलब वन एट्टी अपॉन पाई ये पूरी वैल्यू आ जाएगी अब डिग्री में क्लियर है अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा अब यदि हम इसको कैंसिल करते हैं फिफ्टीन से फिफ्टीन फाइव सेवेंटी फाइव 15 वन जा 15 15 इनटू जा 30 तो वैल्यू क्या आएगी 12 इनटू 2 24 24 एक्स अपऑन 5 क्लियर है तो ये वैल्यू आ गई आपकी डिग्री में ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डिग्री में तो 24 अपऑन 5 एक्स डिग्री ठीक है तो हमारा जो तीनों एंगल्स हैं ए बी सी यदि हम देखें ए ये है बी ये है सी ये है तीनों ही एंगल हमारे डिग्री में चेंज हो जाते हैं ठीक है डिग्री में चेंज हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा आप देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा बार बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि डिग्री टू तो, रेडियन और रेडियन टू तो, डिग्री तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं ग्रेड के लिए भी हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था आप ये याद रख लीजिएगा आपको अच्छे से याद रहेगा यहाँ से भी यदि डिग्री टू ग्रेड बनाते हैं तो वन डिग्री इज इक्वल टू टेन अपॉन नाइन ग्रेड हो जाएगा ठीक है ऐसा लिख दीजिए ऐसा लिख दीजिए दोनों को न, नोट पॉइंट करके नोटबुक में जहाँ भी आप फॉर्मूले नोट करते हैं वहाँ लिख लीजिएगा ठीक है सभी नोट कर चुके होंगे चाहे तो आप स्क्रीन ले सकते हैं इसका ठीक है ताकि आपको याद रहे लेकिन ये फॉर्मूले यूज़ करने हम क्लियर चलिए बढ़ जाते हैं आगे अब ले चुके होंगे आप सब हमें क्या करना है अब देखो आप सभी जानते हैं अभी हमने कुछ देर पहले भी लिखा है कि सम ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री अब लिखेंगे वी नो यहाँ लिखेंगे वी नो क्या जानते हैं हम हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है एंगल ए कितना है 3x डिग्री एंगल बी कितना है 6x एक्स अपॉन फाइव डिग्री एंगल सी कितना है ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव एक्स डिग्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ठीक है ट्वेंटी फोर एक्स अपॉन फाइव कर लेते हैं यहां पर देखो ये थ्री एक्स प्लस ये जुड़ जाएंगे दोनों ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थर्टी हो जाता है थर्टी अपॉन फाइव एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ये हो जाएगा सिक्स ठीक है थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स डिग्री लास्ट में लगा लेंगे वन एट्टी डिग्री ये हो जाएगा नाइन एक्स इज ईक्वल टू वन एट्टी डिग्री या एक्स इज ईक्वल टू एक्स इज वल टू वन एट्टी अपॉन नाइन ठीक है चलिए दिख पा रहा है आपको वन एट्टी अपॉन नाइन नाइन से कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स ठीक है ट्वेंटी तो x की वैल्यू आ गई आपकी चलिए इधर ही लिख देते हैं x इज ईक्वल टू ट्वेंटी डिग्री ठीक है x की वैल्यू ट्वेंटी डिग्री यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री अब x की वैल्यू आ गई है तो हमें तीनों एंगल निकाल लेने हैं पहला एंगल ये है दूसरा एंगल ये है तीसरा एंगल ये है हम तीनों एंगल को आप डिग्री में लिख देते हैं आप चाहें तो दूसरे वाले सिस्टम में चेंज कर सकते हैं ठीक है अपने अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आपको इसी सिस्टम में आंसर करना है तो हम पहले लिखेंगे देर फूर एंगल ए थ्री एक्स इसका मतलब थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्सटी डिग्री एंगल बी एंगल बी है सिक्स एक्स अपॉन फाइव इसका मतलब सिक्स एक्स की वैल्यू ट्वेंटी अपॉन फाइव पाँच से कट जाएगा चार बार इट मीन्स ट्वेंटी फोर डिग्री थर्ड पर चलते हैं हम थर्ड क्या है हमारा ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव एक्स लिखते हैं एंगल सी एंगल सी एंगल सी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स अपॉन फाइव इट मींस ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी अपॉन फाइव फाइव से कट जाएगा फोर टाइम्स तो नाइन्टी सिक्स डिग्री ठीक है तो टोटल हमारे तीन एंगल हो जाते हैं सिक्सटी डिग्री ट्वेंटी फोर डिग्री एंड नाइन्टी सिक्स डिग्री आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं क्लियर तो आपको चीजें समझ में आ गई कि वैल्यू uh, जिस फॉर्म uh, किस फॉर्म में दी गई है तो आपको कैसे लिख देनी है क्लियर है एंगल uh, हमें अलग अलग सिस्टम में दिया गया था एक ग्रेड सिस्टम में दिया गया था एक हमारा डिग्री सिस्टम में दिया गया था एक सर्कुलर सिस्टम में दिया गया था मीन्स रेडियन सिस्टम में दिया गया था रेडियन मेजर कहिए तो हमने क्या किया तीनों को सेम में चेंज कर लिया और उसके बाद हमने वन डिग्री मीन्स तीनों का सम लिख दिया वन यदि हम तीनों को रेडियन में बदल देते अभी तो हमने डिग्री में चेंज किया है इन केस हम डिग्री में चेंज ना करके रेडियन में चेंज कर देते रेडियन में चेंज करते हैं तो टू हंड्रेड लिख देते ठीक है ही, यदि आप ग्रेड में चेंज करते, तो 200 ग्रेड लिख देते, और ग्रेड में तो और आंसर आ जाता उस केस क्लियर अभी भी आप चाहें तो इन एंगल्स को रेडियन में भी दे सकते हैं एंड ग्रेड में भी दे सकते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम जैसे ही हमने इस ट्राइंगल को लिखा है अब हम बात कर लेते हैं राइट ट्राइंगल की राइट ट्राइंगल क्या होता है राइट ट्राइंगल राइट एंगल हमने आपको बताया था राइट right एंगल क्या है राइट right एंगल वो एंगल है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाता है ठीक है राइट एंगल वो एंगल है जिसमें वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है हम यहां लिखेंगे ए राइट ट्राइंगल क्वेश्चन दिया गया है ए राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहिए राइट ट्राइंगल कहिए एक ही बात है राइट एंगल ट्राइंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स एंगल ट्राइंगल द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं ठीक है डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स Is, क्या दिया गया है हमें डिफरेंस पाई बाय नाइन ठीक है पाई बाय नाइन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्रीज ठीक है एक्सप्रेस द एंगल्स द एंगल्स इन डिग्रीज देखो आपने एक बात नोट की यहां पर यहाँ दो एंगल का डिफरेंस पूछा मतलब दिया गया है और हमसे क्या पूछा है उन दुन दोनों एंगल को एक्सप्रेस कराया है डिग्री में तीसरा एंगल की बात ही नहीं की क्यों नहीं की क्योंकि इसने क्वेश्चन में कह दिया गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है इट मीन्स एक एंगल तो राइट एंगल होगा ही होगा राइट ट्राइंगल ये होता है या राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल नाइन्टी डिग्री का हो जाए ठीक है तो ये मान लिया ये नाइनटी डिग्री है क्लियर हमने मान लिया लेट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल बी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री ठीक है अब हमें क्या गिवन है हमें गिवन है देखो डिफरेंस दिया गया है दो एक्यूट एंगल का अब डेफिनेटली यदि एक एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल का सम 90 होगा अब ऑबवियस है यदि सम 90 है तो दोनों एंगल 90 से छोटे रहे होंगे तो दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल्स अब क्या लिखेंगे हमें गिवन है b तो हमें दे दिया गया है बाकी जो दो तो बचते हैं एंगल्स कौन-कौन से बचते हैं a और c तो एंगल a minus एंगल c एंगल अंडरस्टूड है इज इक्वल टू पाई बाय 9 यह है रेडियन मेजर ठीक है रेडियन में है ये। हमने क्या किया इसको चेंज कर दिया डिग्री में तो वह वन एट्टी अपॉन पाई पाई से पाई कैंसिल हुआ नाइन से कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स ए माइनस सी इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब हम जानते हैं हम ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन एट्टी एंड वी नो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ए प्लस नाइन्टी प्लस सी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री या ए प्लस सी इज इक्वल टू वन एटी नाइन्टी इधर जाएगा माइनस नाइन्टी तो ए प्लस सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री इक्वेशन नंबर सेकेंड अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं दोनों को सॉल्व करके हमें ए और सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे दोनों को फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड फर्स्ट है हमारी ए माइनस सी सेकेंड है ए प्लस सी इज इक्वल टू नाइन्टी सी से सी कैंसिल तो टू ए इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री या ए इज इक्वल टू फोर्टी फाइव ठीक है ए की वैल्यू 45 है आप यहां रखेंगे बाय सेकेंड 45 फाइव प्लस सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ठीक है 45 फाइव प्लस सी इज इक्वल टू हमारी वैल्यू हो गई है ए माइनस सी ए प्लस सी नाइन्टी प्लस ट्वेंटी ये 20 रह जाता है जब ऐड करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा 110 तो यहां पर वैल्यू आएगी 55 ठीक है टू से कैंसिल हो जाएगा तो फिफ्टी फाइव प्लस सी सी इज इक्वल टू नाइनटी माइनस फिफ्टी फाइव या एंगल सी इज इक्वल टू थर्टी फाइव ठीक है क्लियर तो एंगल ए इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव एंगल सी इज इक्वल टू थर्टी फाइव तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसी टाइप से सा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं प्रैक्टिस कर लेनी है जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं एटलीस्ट इनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है जो हम कराते हैं देखिए नोटबुक बना लीजिएगा जितना करा रहे हैं डेली का कर, डेली करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ना हो जितना डेली पढ़ रहे हैं डेली पढ़ते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन साथ, साथ होती जाएगी अब हम ये चैप्टर इस चैप्टर में हमारा इतना ही था अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा टी रेशो टिग्नोमेट्रिक रेशो तो टिक्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे पहले वाला सब क्लियर कर लीजिएगा साथ ही प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल का नाम आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर जेई बिहार पॉलीटेक्निक वहाँ से आपको पी PDF मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए साथ ही आपके क्लास का शेड्यूल और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मिल जाता है तो आप सभी अपने साथियों से भी कहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप खुद भी ज्वाइन कीजिए साथ ही जिसने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को जितना पॉसिबल है शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह बाकी सभी आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ ले सके चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत